हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? लगता है कहीं सुना हुआ है ये तो। तो वेलकम बैक टू बरोपीडिया पॉइज। तो आज होने वाला है रिजल्ट्स, यानी कि जो मैं रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ एस चला रहा था, इसका है ये रिजल्ट वीडियो। वैसे मैं फीड्स की वीडियो अभी भी डालूंगा, लेकिन मैं सोचा कि 1 जून से पहले ही रिजल्ट वीडियो डाल देता हूँ। तो अब मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है रिसर्च के हिसाब से कि एस के टॉप 10 पोकेमोन कौन से हैं। तो चलो तुम्हें भी बता देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर जिन भी लोगों ने ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ एश या फिर एश के पोकेमोन के फीड्स, तो ऊपर आई कार्ड में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तुम जाके देख सकते हो और फिर तुम लोगों को भी ये वीडियो बिल्कुल फेयर लगेगी। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नंबर 10 पे नोइवर्न। तो इसे नंबर 10 पे रखने का साफ साफ मैं तुम्हें मतलब बता देता हूँ, क्योंकि इसने एक ऐसे जैबडोस के साथ ऑलमोस्ट इक्वालिटी की है जो कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट था। इसने सेलेमेंस इसे देख तक नहीं पाया इसकी फुल स्पीड में, और साथ ही साथ इसने कैमरअप को 1 अटैक नॉकआउट किया है, और इसने जैबडोस के साथ इतना अच्छा मुकाबला कर लिया कि बस इवन उसकी स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट उड़ा ये। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे इसकी स्पीड की वजह से उड़ा के रख सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे फास्ट उड़ने वाला पोकेमोन है एस्ट्रा। नंबर 9, रेगुलर लाइकेनरोग। तो यहाँ पे मैंने इसे जी मूव के साथ काउंट नहीं किया है, नॉर्मल फॉर्म में किया है। जी मूव के साथ तो ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ सकता है। तो इसका पहले चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसने ब्रेवियरी के 800 मीटर ऊपर से फेंकने को सर्वाइव किया है ज़मीन पे। तो ये कितनी पावरफुल हो सकती है इसकी ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल फॉर्म में ही। तो नॉर्मल फॉर्म की बहुत बात हो गई, अब है इसकी बर्सर्क फॉर्म की, रेड आई। तो रेड आई फॉर्म में इसने कितने पोकेमोन्स को 1 अटैक नॉकआउट किया है, और रेड आई होने के बाद इसने इतनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें की हैं, जैसे कि सैंड रूम से बाहर आया है जिससे कि निकलना इम्पॉसिबल है किसी भी पोकेमोन के लिए, और ये किसी भी अटैक को काउंटर अटैक से रिपेल कर सकता है, और इस पर सिर्फ क्लोज रेंज अटैक काम करते हैं। तो इतनी सारी पावर्स के साथ ये नंबर 9 पे परफेक्ट है, और जी मूव के साथ मैं इसे आगे एक और बार रखूंगा। तो नंबर 8 पे 2 पोकेमोन, स्नोरलैक्स और क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल अपनी अटैक पावर और बहुत अच्छी डोजिंग की वजह से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसने अटैक से डोज करने में तो मेरे को लगता है एश के सारे पोकेमोन में महारत हासिल किया है। तो क्रोकोडाइल के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए क्रोकोडाइल के फीड्स वाली ये वीडियो भी देख लेना। तो चलो अब स्नोरलैक्स की बात करते हैं। तो स्नोरलैक्स एस्ट्रा बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला पोकेमोन है, और अगर सच कहूँ तो इसकी कोई भी कमजोरी नहीं है एक कमजोरी को छोड़ के, और वो कमजोरी अगर तुम्हें जाननी है तो तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो देखनी होगी, द फीट्स ऑफ स्नोरलैक्स। तो नंबर 7 पे भी 2 पोकेमोन, नागैनिडेल और एस्ट्रा ड्रैगनाइट। तो दोनों के दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग लगे हैं मुझे, और नागैनिडेल बल्कि अपने जी मूव्स की वजह से और ज़्यादा पावरफुल है, और इवन ये एक अल्ट्रा बीस्ट है, और इसकी स्पीड देखो तुम कितनी फास्ट है। तो पोकेमोन वर्ल्ड में इसकी स्पीड उतनी फास्ट नहीं है, लेकिन अगर इसकी फाइट किसी से वर्म होल के अंदर होती है तो इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक जा सकती है। तो इसको इवन लेजेंडरीज भी नहीं हरा सकते वर्म होल के अंदर। तो जहां बात रही ड्रैगनाइट की, तो फिट्स ऑफ पिकाचू वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जिगेंटमैक्स पोकेमोन के अटैक कितने पावरफुल होते हैं, और उन अटैक्स में से एक के साथ इसने काफ़ी अच्छी तरह ड्यूअल कर लिया भले ही अपने साथी यूज़ किए, लेकिन फिर भी। और जिस तरह से पोकेमोन जर्नीज चल रही है, ड्रैगनाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो एश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बन सकता है आगे जाकर। तो नंबर 6 पे है रेगुलर इन्फर्निप। तो ब्लेज के साथ तो ये ऑब्वियसली और आगे आएगा, और इसी के साथ मैं नंबर 6 पे इंसिनेरोर को भी रखा है, क्योंकि इंसिनेरोर ने अपनी सेकंड स्टेज पर ही पूरे अलोला के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है, और विकसित होने के बाद तो ये ऑब्वियसली और स्ट्रॉन्ग हो ही गया होगा। और इन्फर्निप की तो मैं क्या कहूँ, इसने अपनी बेस फॉर्म में भी काफ़ी कुछ कमाल कर रखा है, और इन्फर्निप के बारे में और जानना हो तो ये वीडियो ऑन करके देख सकते हो। तो नंबर 5 पे मैं रखा है पम्प्ड अप हाउलूचा को। तो नॉर्मल हाउलूचा भले ही वीक हो, लेकिन जब ये पम्प्ड अप हो जाता है और बहुत सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर बूस्ट कर लेता है, तो उसके बाद ये इतना पावरफुल हो जाता है कि जस्ट 1 अटैक में किसी को भी केओ कर दे और पूरे स्टेडियम को तोड़ दे। तो जैबडोस के खिलाफ ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में लड़ा था, अगर इसने अपने मूव्स को चार्ज किया होता तो ये जैबडोस तक को हराने की कैपेबिलिटी रख सकता है, और इसने उस वंडर रूम को तोड़ा है जिसे कि इवन मेगालिथ ज़ायगार्ड यानी कि जायंट रॉक तक नहीं तोड़ पाया था। तो नंबर 4 पे मैं रखा है 3 पोकेमोन्स को। सबसे पहले तो सेप्टाइल, जो कि अपनी स्पीड और तेज कट्स के लिए जाना जाता है। उसके बाद ग्रेनिंजा, ये भी अपनी तेज स्पीड और कट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेनिंजा की रेगुलर फॉर्म है। उसके बाद आता है जी मूव्स के साथ लाइकेनरोग, जो कि अगर किसी के ऊपर ये अटैक सुपर इफेक्टिव लगा तो उसका KO होना पक्का है। फ्लाइंग और आइस टाइप पोकेमोन्स को सबसे ज़्यादा खतरा है इससे। तो नंबर 3 पे है चारिज़ार्ड और ब्लेज वाला इन्फर्निप। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, यहाँ तक कि पोकेमोन कंपनी ने भी एपिसोड्स के बीच में ही सीजन 90 के एपिसोड 16 में ये दिखाया था। यहाँ पर देख सकते हो तुम कौन सा स्ट्रॉन्गर पोकेमोन है। पोकेमोन कंपनी ने यहाँ पर खुद एश के सारे पोकेमोन रैंक किए थे और ये सब निकले उनके टॉप 6। तो इन्फर्निप और चार्जर को बिल्कुल बराबरी की रैंक दी गई, और ऐसी ही बात है, इन्फर्निप स्पेशल अटैक में ज़्यादा पावरफुल है, जबकि चार्जर फिजिकल स्ट्रेंथ में सबका बाप है। इसने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऐसे ऐसे फीट्स दिखाए हैं जो कि कमाल है सच में। इवन मैसो स्पेयर से गिरते हुए जेनेसेप्ट और म्यूटू को भी संभाला इसने, तो ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था।
तो चार्जर्ड भले ही ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमोन ना हो, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ये सबसे ज्यादा है। तो सही में अगर चार्जर्ड के पास भी कोई फिनोमिना होता तो ये पावर में भी काफी ज्यादा आगे जा पाता, लेकिन स्ट्रेंथ में इसने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए कि इसे ज्यादा जरूरत नहीं है पावर की। और चार्जर्ड के अलावा कोई और पोकेमोन ऐसा नहीं है ऐश के पास जो कि बिना पावर के इतनी आगे तक आ जाए लिस्ट में। नंबर 3 पे आ गया बिना किसी स्पेशल पावर के, तो इसे कभी कोई फिनोमिना मिल गया तो ये तो और आगे आ जाएगा फिर। तो नंबर 2 ऐश ग्रेंजा। तो नॉर्मल ग्रेंजा तो नंबर 4 पे आया था, तो ऐश ग्रेंजा अब आ चुका है। तो फिनोमिना एक्टिवेट करने के बाद ग्रेनिंजा ने पूरे एनिमे में अब तक 7 पोकेमोन्स को वन अटैक नॉकआउट किया है, और उनमें से एक है ये सोयर का सेप्टाइल जो कि बस एक एरियल एज में गया। और ऐश ग्रेनिंजा के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो भी देख सकते हो, ऐश ग्रेनिंजा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीड्स। तो चलो अब चलते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे है जाइगेंटिक पिकाचू। तो जाइगेंटमैक्स फिनोमिना कितना स्ट्रॉन्ग है ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ तो फीट्स ऑफ पिकाचू वाली वीडियो में। और इस टाइम पे मैं ये भी कह चुका हूँ कि पिकाचू इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये अकेला ऐश के सारे पोकेमोन्स को अकेला हरा सकता है, वो भी एक साथ। तो तुम बस ये सोच सकते हो कि किस लेवल पे पहुंच चुका है ये पिकाचू। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी फीट्स ऑफ पिकाचू वाली वीडियो भी देख लेना। तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं बन सकती है लिस्ट, क्योंकि जितनी परफेक्ट बन सकती थी बन गई। और सीजन 90 के एपिसोड 16 में ये रैंकिंग की गई थी मिडल सीक्वेंस में, इसमें ऐश के सारे पोकेमोन्स को रैंक किया गया था। तो ऑब्वियसली ऐश ग्रेनिंजा को यहाँ पे ब्राइटेस्ट कलर में रखा गया, उसके बाद इन्फर्निप और चार्जर्ड को बराबरी की रैंकिंग दी गई, उसके बाद क्रोकोडाइल और सेप्टाइल को भी बराबरी की रैंकिंग दी गई। तो आज से जो ये लिस्ट का चक्कर है ना कि ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ये है, ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ये है, तो ऐश का हर एक पोकेमोन बराबर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी किसी को भी हरा सकता है अगर उसे अच्छी कमांड दी जाए तो। और स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होने से ये मतलब नहीं है कि वही पोकेमोन मुकाबला जीतेगा, क्योंकि कई बार ऐसे पोकेमोन भी मुकाबला जीत जाते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग होने का कुछ चांस ही नहीं था। और पोकेमोन कंपनी ने जब पहले ही ऐश के सारे पोकेमोन कालोस तक के रैंक कर दिए तो हम क्यों करते हैं? तो ये सब छोड़ो, ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ढूंढना एक सरदर्द है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।